हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निशा दुबे एस एम एस टीचर इन कृष्णा पब्लिक स्कूल। यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4वी चैप्टर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर। नाउ टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8। रिप्लेस, बेटा इसे आप स्टार भी बोल सकते हैं और सिंबल भी बोल सकते हैं। रिप्लेस सिंबल बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 3। बेटा जो मुझे ये सिंबल गिवन है उसे मुझे रिप्लेस करना है स्मॉलेस्ट डिजिट से और सारे नंबर को बनाना है डिविजिबल बाय 3, मीन्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं फर्स्ट पार्ट देखूंगी उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है मुझे 5, 3, फिर बेटा ये सिंबल गिवन है, फिर 3, 5 गिवन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, रिप्लेस सिंबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इस सिंबल को रिप्लेस करूँगी किसी स्मॉलेस्ट नंबर से और इसे बनाऊँगी डिविजिबल बाय 3। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा वी नो दैट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। बेटा 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि हर डिजिट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 5 + 3 + सिंबल + 3 + 5। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मैंने 5 में 3 ऐड करा तो क्या आ गया बेटा जी, 8 आ गया। और फिर बेटा सिंबल एज इट इज राइट करेंगे क्योंकि सिंबल तो ऐड नहीं होगा बेटा नंबर्स में। तो फिर बेटा मैं क्या करूँगी, 8 में 3 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 11, 11 में 5 ऐड करूँगी तो बेटा मेरा क्या आएगा 16। और प्लस सिंबल, जो मेरा सिंबल था वो एज इट इज मैंने राइट कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आप बेटा मैंने देखा ऐड करने के बाद क्या आ गया, 16 आ गया और बेटा ये सिंबल एज इट इज आ गया। अब देखा इसके नियर बाई कौन सा नंबर मेरा 3 का मल्टीपल है, तो बेटा मैंने देखा 16 के जस्ट नियर बाई जो नंबर था वो क्या है, 18। 18 इज द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 16, 16 से जस्ट ग्रेटर है, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो 2 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट रिप्लेस बाय सिंबल। बेटा 2 वो छोटा नंबर है जो इस सिंबल को रिप्लेस कर देगा। बेटा क्यों, 2 कैसे आया बेटा, 18 में से मैंने 16 माइनस कर दिया तो क्या आ गया मेरा 2 आ गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो दैट द नंबर सो फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अब बेटा जो मेरा नंबर की फॉर्मेशन हुई है वो 3 से डिविजिबल हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दस 5, 3, 2, 3, 5 इज डिविजिबल बाय 3। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पर मैंने क्या करा, उस सिंबल की जगह 2 ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आप बेटा आप इन्हें ऐड करके देखो डिजिट को, 5 में बेटा मैंने 3 ऐड करा तो क्या आया 8, 8 में 2 प्लस करा तो क्या आएगा 10, 10 में 3 प्लस करा तो क्या आएगा 13, 13 में 5 प्लस करा तो क्या आएगा 18। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैंने सम ऑफ ऑल डिजिट करा तो वो क्या है 18, मीन्स 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है। तो बेटा नंबर मेरा जो आया 53,235 वो भी 3 का डिविजिबल है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन है हमें 5, 4, 0, 2, फिर बेटा ये सिंबल गिवन है फिर 6। इज इट क्लियर स्टूडेंट? रिप्लेस सिंबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। बेटा इसको मुझे क्या करना है, इस सिंबल को रिप्लेस करना है किसी स्मॉलेस्ट नंबर से, इसे कम्प्लीटली डिविजिबल बनाना है मुझे 3 का। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सारी डिजिट्स को ऐड करूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 में 0 प्लस करा तो बेटा क्या आएगा 9, फिर बेटा 9 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11। अब बेटा ये सिंबल तो एज इट इज आएगा, ये तो ऐड नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगी, 11 में 6 ऐड कर दूंगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? 11 में 6 ऐड करा तो बेटा मेरा क्या गया 17 आ गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और प्लस में बेटा ये सिंबल एज इट इज आ गया। अब बेटा मैंने देखा जो 17 के जस्ट नियर बाई 3 का मल्टीपल है वो क्या है 18 है, तो बेटा मैंने यहाँ पे राइट करा 18 इज द लीस्ट ग्रेटर नंबर 17 विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं क्या करूँगी, 18 में से 17 माइनस कर दूंगी तो बेटा 8 में 7 जाएगा 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो मेरा क्या आ गया बेटा 1 आ गया। सो
वन इज द स्मॉलेस्ट डिजिट रिप्लेस बाय सिंबल. इस सिंबल को बेटा किसे रिप्लेस कर दिया, वन ने. सो दैट द नंबर सो फॉर्म इज डिविजिबल बाय थ्री. अब बेटा जो मेरे नंबर की फॉर्मेशन हुई है वो थ्री का डिविजिबल है. इज अ क्यों स्टूडेंट, दस 540,216 इज डिविजिबल बाय थ्री. बेटा ये मेरा क्या है, थ्री से डिविजिबल है. इज अ क्यों स्टूडेंट, अब बेटा मैंने उस सिंबल को किससे रिप्लेस करा है, वन से. इज अ क्यों स्टूडेंट, अब बेटा हम इसकी सारी डिजिट ऐड करके देखें तो थ्री का मल्टीप्लाई. बेटा मैंने फाइव में फोर प्लस करा तो क्या आएगा, नाइन. नाइन में बेटा जीरो प्लस करा तो क्या है, नाइन. फिर बेटा नाइन में टू प्लस करा तो क्या है, इलेवन. और बेटा इलेवन में वन प्लस करा तो बेटा क्या है, ट्वेल्व. और ट्वेल्व में सिक्स प्लस करा तो बेटा मेरा क्या आ गया, एटीन. इज अ क्यूल स्टूडेंट, अब बेटा एटीन क्या है, मेरा थ्री का मल्टीपल है. मीन्स जो मेरा 540,216 है ये भी थ्री से डिविजिबल है. इज अ क्यूल स्टूडेंट. नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है मुझे 387 और सिंबल. इज अ क्यूल स्टूडेंट, अब बेटा रिप्लेस सिंबल, जो ये सिंबल है, बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय थ्री. मुझे इसे थ्री से डिविजिबल बनाना है. तो बेटा मैं क्या करूँगी, थ्री प्लस एट प्लस सेवन प्लस सिंबल इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एटीन प्लस सिंबल आ जाएगा. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, क्योंकि बेटा हमने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिया सारी डिजिट को और सिंबल एज इट इज रहा. अब बेटा क्या आया कि जी एटीन ही आ गया. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, सिंस 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बेटा 18 तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, सो 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट रिप्लेस्ड बाय सिंबल. तो बेटा 0 वो स्मॉलेस्ट डिजिट है जिसे रिप्लेस कर दिया है सिंबल को. सो दैट द नंबर सो फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3. तो बेटा जो ये नंबर की फॉर्मेशन हुई है वो 3 का डिविजिबल है. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, 3870 इज डिविजिबल बाय 3. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, बेटा यहाँ पे हमने क्या करा, सिंबल को जीरो से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बेटा ऑलरेडी सम करने का क्या गया था, 18 आ गया, जो हमारा 3 का ऑलरेडी मल्टीपल था. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, तो हमने सिंबल को जीरो से रिप्लेस कर दिया. इज अ क्यूल द स्टूडेंट. नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखें उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है सिंबल 5462. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, रिप्लेस सिंबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3. तो बेटा इस सिंबल को हम क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्लेस कर देंगे, इसे बनाना है मुझे 3 का डिविजिबल. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, साइड डिजिट को ऐड करूँगी. तो बेटा सिंबल प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5 में 4 प्लस करूँगी तो क्या आएगा, 9. और बेटा 9 में 6 प्लस करूँगी तो बेटा क्या आएगा, 15. 15 में 2 प्लस करूँगी तो बेटा मेरा क्या आ गया, 17. और बेटा प्लस में ये सिंबल एज इट इज रहेगा. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, अब बेटा मैंने देखा इसके नियर बाई कौन सा नंबर 3 का मल्टीपल है, बेटा 18 है 17 के जस्ट नियर बाई. तो बेटा 18 इज द लीस्ट नंबर ग्रेटर देन 17 विच इज डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 का डिविजिबल है. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, सो 1 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट रिप्लेस्ड बाय सिंबल. 1 वो छोटा डिजिट है बेटा जिसे इस सिंबल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. सो दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3. अब बेटा जो नंबर की फॉर्मेशन हुई है वो मेरा 3 से डिविजिबल है. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, दस 15,462 इज डिविजिबल बाय 3. इज अ क्यूल द स्टूडेंट, अब बेटा जो मेरा आंसर आया 15,462 डिविजिबल है 3 से. इज अ क्यूल द स्टूडेंट.